हाय गाइस, वेलकम टू डीबी ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि हैं वरुण चौधरी। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ सीजी कॉर्प ग्लोबल, और हाल ही में ही उनको ग्लोबल मैंडेट मिला है वाई वाई नूडल्स का। आई गॉट दिस मैंडेट अबाउट 6 months बैक। अच्छा। व्हेन माय फादर थॉट दैट आई शुड टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटीज एंड द ओनरशिप ऑफ ड्राइविंग वाई वाई आउट ऑफ इंडिया, और अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंडिया में तो एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर हो ही रहा है। हाँ। जैसे हम लोग का 10th वाईवाई प्लांट अजमेर में अब इस महीने के अंत में खुलने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सर्बिया में वी ओपन्ड अबाउट ईयर एंड हाफ बैक, दैट्स ऑल्सो ऑन अ स्टेडी ग्रोथ। वी ओपन्ड बांग्लादेश अबाउट 4 months बैक टू प्राइमरली अभी लोकल मार्केट को कैटर करने के लिए, एंड स्लोली वील सी मे बी वी कैन कवर कम्बोडिया, लाओस एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम अ बांग्लादेश यूनिट। नाउ कजाकिस्तान जस्ट ओपन्ड लास्ट वीक, सो कजाकिस्तान विल बेसिकली बी फॉर द सेंट्रल एशियन मार्केट। इतना सारा है आपके पास करने के लिए, तो आपकी प्रायोरिटाइज आप किस तरह से करते हैं? वेर एवर वी गो we have our regional CEOs, so it becomes far easier jab senior resources are there and when you delegate as much as you can. To unke sath ek road map agree karne ke baad then you have to basically monitor ki wo sahi raste pe, sahi path pe, sahi disha pe ja raha hai ki nahi. So our responsibility then increases to the footprint in a sense that then we start looking at newer opportunities. As compared to other countries, aapko yahan ki market kis tarah se lagti hai? So Hindustan mein to let's say we've been growing every year. Our strongest markets are definitely east and northeast. So abhi mota moti we have a sale of about 600 to 650 crore, and majority of our sale comes from east and northeast. Now my focus is definitely to drive the sales in south or west. तो जो हम लोगों ने अभी अजमेर में प्लांट वी आर ओपनिंग दिस मंथ, दैट विल प्रोबेबली रैम्प अप द वॉल्यूम्स। और हम लोगों ने ये देखा भी है कि जिस जगह पे हम लोग प्लांट लगाते हैं ऑटोमेटिकली फोकस्ड मार्केट एरिया बन जाता है। ओके ओके। तो जैसे सिलचर में, सिक्किम में, गुवाहाटी में, इन सब नॉर्थ ईस्ट में ये प्लांट्स है, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट का मार्केट कहाँ से कहाँ वी हैव रीच्ड। लाइक 2003-2004 में व्हेन वी वर ओनली अबाउट, व्हेन वी टू एक्सपोर्ट बिफोर सेटिंग अप अ प्लांट इन सिक्किम, सिक्किम में हम लोग 2007 में हम लोगों ने प्लांट सेट किया था, तब हम लोग का एक्सपोर्ट वॉल्यूम कुछ था ही नहीं, मे बी हद से 3-4 करोड़ होगा। 2007 में लगाने के बाद देन द एक्चुअल गेम स्टार्ट। ओके। फिर हमें लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के बाद ही फोकस बढ़ता है। तो अजमेर में जो फूड पार्क का बिजनेस आपने अभी लॉन्च करना है, नहीं, वो और प्लांट अलग है आपके? हाँ, फूड पार्क तो एक मास्टर डेवलपमेंट टाइप हो गया है, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, इट्स अबाउट 85 एकर का कॉम्प्लेक्स है, और उसमें आपके हाफ ऑफ द फूड पार्क आपका प्लॉट्स में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि और प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज आए और वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें, बेसिकली अब इकोसिस्टम क्रिएट करें। हाँ, तो और बाकी हाफ में हम लोग ने क्या किया कि वी सेटअप ऑन द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हम लोगों ने वेयर हाउसेज, IQF, कोल्ड चेम्बर्स, यू नो, स्मॉल डिजाइन फैक्ट्री शेड्स फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, मसाले वाले हो गए आपके, यू नो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनको इनफैक्ट बूस्ट करने के लिए, तो माइनस उसमें हम लोगों ने वो सेटअप किया है। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम ये फूड पार्क। और आपने अपना बेस इंडिया में क्यों रखा? I believe in India personally. मुझे इंडिया में बहुत ही विश्वास है, बिकॉज आई फील दैट द ग्रोथ विच वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग ईयर्स, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, नूडल इंडस्ट्री में पर कैपिटा कंजम्पशन बोलते हैं, तो नेपाल में नूडल का पर कैपिटा कंजम्पशन इज 40। अच्छा। और इंडिया इज ओनली 4। तो नेपाल इज अबाउट 28-30 million पॉपुलेशन, इंडिया इज अबाउट 1.2-1.3 million पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इंडिया में। ओके। और लास्ट ईयर आपका मार्केट शेयर भी आई थिंक इंक्रीज हुआ था, बट उसके बाद आपने कैसे वो मोमेंटम पकड़ा? नहीं, सो व्हाट वी हैव डन इज मार्केट शेयर हैज बीन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, डिस्पाइट द इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ बीइंग लिटिल स्लगिश, तभी भी वी हैव केप्ट आवर
ग्रोथ इन प्लेस. दैट इज द रीजन आप देख रहे हैं कि हम लोग का अजमेर में प्लांट खुल रहा है. दैट इज अ आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स एंड वी विल कंटिन्यू टू सी दिस ग्रोथ. और मार्केटिंग बजट किस तरह से आप डिटरमिन करते हैं व्हाइल सीइंग योर इंक्रीज इन सेल? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि एज यू मस्ट हैव सीन वी आर अ हेविली बीटीएल कंपनी. यस यू नो आवर एंबेसडर्स आर द kids who go to schools, boarding schools. You don't believe in celebrity endorsements? Abhi tak hum logon ne kiya nahi hai kyunki it's been following that trend. Okay. Now our next big challenge for me is south or west mein we need to completely push our sales. Sales hum logon south or west is going to be my next focus for the next 1 or 2 years. Ab BTL ke alawa kaun si? Then after that once we have a kyunki till you have a good presence all over India at a national level, जैसे east और northeast और north में तो मैंने कहा कि हम लोग का है ही. Now west और south में भी till you अगर आपको national level में campaign करना ही है तो you have to ensure that your distribution is set right. तो once the distribution is set right, then automatically you will see that हम लोग का marketing, advertisement we will be doing at a different level, maybe 6 months or a year from now and in this next 1 year, because ये सबसे crucial समय मेरे लिए. Okay. Because apart from YY, we are also looking at adding new products. Vichar? जैसे कि maybe pastas, maybe looking at biscuits, maybe अच्छा. juices. So, you know, brand extension जैसे कहते हैं. आपका focus younger audience, younger generation, since you are also the youngest of of your family. Not just me, but any other person जो कोई जो भी कोई boarding school में गया है, everybody says that, oh, bro, we survived on YY. तो immediately ये youngestan का जो है, एक youth, so they themselves become our ambassadors. Second priority aapki after YY, India mein rehke, India mein home base banane ke baad, aapki kya rahegi ya rehti hai? So opportunistically driven bhi, we are looking at acquiring companies. Jaise in south we are exploring couple of companies. West mein we are exploring couple of companies. So on one hand, while we will continue to focus YY's growth, क्योंकि एक मंजिल में हमें पहुंचाना ही है एंड आफ्टर दैट हम इसको लिस्टिंग करेंगे बट एट द सेम टाइम व्हिच विल गिव अस अ फास्टर ग्रोथ डेफिनेटली इज एक्विजिशन ऑफ न्यू कंपनीज और एग्जिस्टिंग कंपनीज दैट हैव गुड डिस्ट्रीब्यूशन इन दीज एरियाज. ओके तो इंडियन मार्केट जो स्लो डाउन कह रहे हैं है ये तो आप ही बता सकते हैं बट आपकी कंपनी को और आपके ब्रांड को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुआ है बट एट द सेम टाइम आई वोंट से दैट इट्स कम्प्लीटली स्टैंड स्टिल. अगर स्टैंड स्टिल होता तो हम लोग राजस्थान में नहीं खोल रहे होते और वो भी 10th यूनिट ऑफ वाई वाई. ओके एंड जिस अग्रेशन के साथ वीव चार्टेड आउट आर 3 इयर्स प्लान, आई थिंक उसको आप अगर इंडियन इकोनॉमी से अलाइन करेंगे, मैंने जैसे कहा कि ग्रोथ विल कम फ्रॉम हियर, तो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से आएगा. 2020 how you looking at economy better aapko no I like karegi? I said you know the PM's vision. I was recently in Himachal Pradesh 2 days back, main wahi se aa raha tha where PM Modi was there and he gave such a reassurance and confidence to all the investors who had come from all over the world that you know Indian economy is in the right path. ओके तो आप विश्वास रखते हैं हमारे पीएम मोदी में? हाँ बिल्कुल रखता हूँ. ओके ओके हमें भी विश्वास है और हमें आप पर भी विश्वास है कि हमें और भी आपके ब्रांड से देखने को मिलेगा. और इस डीबी ब्रांड टॉक में इतना ही. वी थैंक वरुण फॉर जॉइनिंग अस इन दिस टॉक. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग डीबी ब्रांड टॉक. आई एम प्रीति हून. बाय.